तेरा दिमाग खराब हो गया? किसी ने टिकट नहीं लिया फिर भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया तूने? तूने सारे टिकट किसी को ब्लैक में बेच दिया क्या? सारा टिकट एक ही आदमी ने खरीद लिया। क्या बात कर रहा है? कौन है वो? हमारे गांव में ऐसा कौन आ गया? खूबसूरत है ना? मैं खटारा साइकिल चला रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे खेत मेरे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो गांव वालों के। ये है मेरा घर, लेकिन गांव वाले इसे राजा साहब की हवेली कहते हैं। यही है राजा साहब, मेरे दादाजी, बड़े राजा साहब। अरे अब तक मैंने अपना नाम ही नहीं बताया ना। मेरे दादाजी का ही नाम है राजेंद्र, लेकिन मेरी माँ बड़े प्यार से। सुन राजेंद्र, जल्दी से हाथ पैर धोकर अंदर आ जा। अरे तेरी तो पापा। माले, हाँ। ये मछली मार्केट का कनेक्शन। हाँ। सुना था पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन मेरे दादाजी की किस्मत में इतना पैसा लिखा है कि वो ठीक से गिन भी नहीं सकते और ना ही छुपा सकते हैं। अरे मालिक मालिक, एक रुपया दे दो मालिक। अरे अम्मा अम्मा, धर्म का काम करो, धर्म का काम करो अम्मा। अरे राजा साहब, धर्म का काम कीजिए, पुण्य कीजिए। राजा साहब, एक रुपया देकर पुण्य कमा लीजिए ना। अरे जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर फ्री में पुण्य कमा सकते हैं तो फिर तुम्हें पैसे देकर पुण्य क्यों कमाए? चल निकल। दादाजी, एक रुपया तो इसे दे सकते थे ना। एक रुपया भी बहुत होता है, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, उसे किसी अनजान के हाथ में नहीं देना चाहिए। एक बात याद रखना, पैसे वाला तो मरता ही है, लेकिन जिसके पास नहीं होता वो जीते जी मरता है। समझ में आया? जाओ गाड़ी में बैठो। पिताजी, क्या बात है? कार बहुत पुरानी हो गई है पिताजी, ना गियर ठीक से लगता है ना ही ब्रेक लगती है। आप छोटे थे तब, मैं छोटा था तब, ये छोटा है तब भी यही कार है। नई गाड़ी खरीदी है ना पिताजी? पैसा उसी चीज पर खर्च करो जिससे हमें कुछ फायदा मिले, नहीं तो पता है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। फालतू में खर्चा नहीं करना चाहिए। चल अब गाड़ी चला। सॉरी सरपंच जी, हम किसी को बचा नहीं सके, बस राजा साहब ही बचे हैं। कितना भी कमा लो इसका क्या फायदा है, एक ही झटके में सब कुछ चला गया। सुख भोगने के लिए किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। दादाजी, दादाजी, दादाजी क्या हुआ दादाजी? दादाजी, दादाजी, रोना नहीं बेटा, आज के बाद तो कभी नहीं रोना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में निकाल दी बेटा, लेकिन अब पलट कर देखता हूं तो पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, उससे सुख भी मिलना चाहिए। मौत के करीब आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ, आज के बाद से मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इस बात से तू दुखी नहीं होना बेटा, तू बस इस दौलत का सुख ले, बहुत मजे कर, हमेशा खुश रहना बेटा।
सुपर हिट है, बजाओ रे। इसके दादा जिंदगी भर मेहनत से कमाए और देखो अब ये कैसे उड़ा रहा है। अरे अभी ये ऐसा है तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा। क्या है भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हटो ना भाई। अबे मुंडी नीचे। भाई क्या है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चला भाई, बुरा मत मानना भाई। देख। अरे उधर ही बैठना, हम दोनों वही खाएंगे। ठीक है ठीक है। और थोड़ी दाल मिलेगी? बस इतनी मिलेगी। ऐसे घूर के क्या देख रहा है, कपड़े दो। कमाल है, क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ए राजू। हाँ दादा। हाँ तुला जेलर साहेब बोलवता है, चल आता ही तू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे श्री बाबू, थोड़ा सा काम रहता है, आप बस मेरे नाम पर 25 कर दीजिए ना, मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा। सर ये क्या है रे, इस उम्र में तू बेटिंग और छेड़छाड़ के केस में अंदर आता रहता है, कैसा केस है रे? हाँ बेल हो गई है तेरी, जल्द साइन कर दे। करना ए, तेरे दादाजी जायदाद छोड़कर गए हैं तो तू कुछ भी करेगा, तेरी लाइफ की बच जाएगी, वक्त है संभाल जा, चल जा। चलता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? बेल्ट सर। हाँ? कमर पे तो है ना? ये बेल्ट नहीं सर, सीट बेल्ट। अरे ये क्या नया रूल लगा दिया तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा मैं, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी बातें बातें करना, जाम लग गया है। Hey, नहीं, नहीं, what happened यार? एक मिनट मैडम, हम लोग होते हैं, जीना मुश्किल हो गया। ओपन ओपन। मैडम 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 सॉरी मैडम, नो हेलमेट नो एंट्री, नका दिया मैं मैडम। 30 मिनट्स लगे बाल को स्ट्रेट करने में, अब हेलमेट लगा के खराब करूं क्या? गेट ओपन करो। नाइस हेयर स्टाइल मैडम। थैंक्स। बट नो हेलमेट नो एंट्री। ये रखो। कैमरा लगा है मैडम। अरे रखो ना। सॉरी मैडम। सिक्योरिटी वाले भी आजकल पुलिस वाले बनने चले हैं, फेस तो देखो इसका। ओके थैंक यू मैडम। ओवर एक्टिंग मत करो, गेट ओपन करो। जाइए मैडम। पापा की परी। कॉफी। थैंक्स। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मन किया कि उसे मार ही दूं। I hate security guards. एक बात बता, वैसे तुझे curly hair से इतनी problem क्यों होती है?
आई हेट नूडल्स। वैसे तो जिस काम से गई थी वो हुआ? अरे जो लिस्ट आई थी ना उसमें से एक पसंद आया, उसमें और मुझ में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, सेम टू सेम। कांग्रेट्स। थैंक्स। नाम क्या है? प्रेम। एज? सेम। कलर? सेम। हाइट? सेम। और पैकेज? अरे सेम है बोला ना, लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है? सेम सेम तो ऐसे बोल रही है जैसे अपनी साड़ी के लिए मैचिंग ब्लाउज ढूंढ रही है। अभी तो मिस मैच का ट्रेंड चल रहा है। कुछ समझ नहीं आया। हम जैसे अपना जीवन साथी बना रहे हैं वो हाइट से, वेट से और कलर से हर चीज से एक स्टेप हाई होना चाहिए। अरे ये कैसा गणित है? अगर शादी के बाद हम उससे कुछ मांगते हैं तो उसे रोमांटिक तरीके से देना चाहिए। जैसे अगर हम सीढ़ी चढ़ते हुए थक जाएं तो उसे हमें अपनी गोद में उठा लेना चाहिए। हमारे वेट को संभालने के लिए उसका वेट भी तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए ना। एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर कर देनी चाहिए, वो भले ही किंग क्यों ना हो। कुर्सी पर तो हमें ही बिठाना चाहिए। ए श्रुति, उसी का कॉल आ रहा है। रिसीव कर, स्पीकर ऑन कर। ए हाय, मैंने अभी अभी तुम्हारी मम्मी से बात की। मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग साथ में कॉफी पिए। तुम्हारी माँ ने कहा कि क्यों नहीं, सेम टू सेम आदत है हमारी। व्हाट? सेम टू सेम? या डोंट कॉल मी अगेन, आई विल किल यू। आर यू श्योर? लाइफ में ये कैलकुलेशन सही है क्या? लाइफ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस एंड आई एम नेवर रॉन्ग अबाउट इट। सामने सल्यूट करना, सल्यूट। गॉड विश्राम। सावधान चंडा। अरे मोटे पैर वहां रखना था, मेरे पैर पे नहीं। मोटा बोलेगा तो ऐसे ही करूंगा। अरे हटने। ये ट्रेनिंग पूरी करने वाले नए बैच के सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिक्योरिटी का मतलब ओनर की तरह सैल्यूट करना, ओनर के जाते ही सिगरेट पीना और जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो तो नींद की झपकी लेना, ये नहीं चलेगा। आंखें हर वक्त खुली रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म पूरी तरह साफ सुथरी होनी चाहिए और नजरें तेज होनी चाहिए। ए, तेरे बाजू में खड़ा हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता, तो सामने खड़ा चोर कैसे दिखाई देगा। देश के लिए अगर सैनिक सिक्योरिटी है, जनता के लिए अगर पुलिस सिक्योरिटी है, तो घर बार सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल्स और इतना ही नहीं, बैंक के अंदर बैंक के बाहर और एटीएम के बाहर और अंदर हम सिक्योरिटी ही सब कुछ है उनके लिए। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि पुलिस लेट आ सकती है, लेकिन सिक्योरिटी को आवाज देती वो सैल्यूट मारे वही सिक्योरिटी है। सारे सीनियर सिटीजन और एटीएम वाले सब एक तरफ आ जाए। ये तो सीनियर सिटीजन है। मिडिल एज वाले मेंबर्स, सिनेमा हॉल वाले और शॉपिंग मॉल वाले सब इस तरफ आ जाए। अरे ऐसे क्या दिखता है, साइज बड़ा है, उम्र में छोटा हूं। और तुम यंग बैच वाले, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी वाले, मैं तुम लोगों को सीसीटीवी कैमरे में देखता रहूंगा। हाय हाय दर्शन, सुदर्शन फ्रॉम जामनगर। मैं राजेंद्र, गोदावरी से। मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली लेकिन यहाँ मिल गई। यस यस यस। इतना क्यों खुश हो रहे हो? ए सॉफ्टवेयर वाला हूँ, हाई फाई मोबाइल में वाई फाई सेटिंग, अपना स्वर्ग में भी ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस हो, हम लोगों को गेट के बाहर ही रहना है, इस बात को याद रखना है। यही हमारी कहानी है यार। सर ये नो स्मोकिंग जोन है सर, यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। Who the hell are you to tell me? स्मोकिंग कहाँ करना है मुझे पता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, हर कोई लेक्चर दे रहा है मुझे।
आई सेड यू गेट इट फ्रॉम हियर। जिसको देखो दिमाग खराब करने चला आता है, चैन से फुकरे भी नहीं देते। उसने जो बोला तेरे को बुरा लगा क्या? अरे और नहीं तो क्या, देखा ना कुछ भी बके जा रहा था। अरे ये तो फिर भी ठीक है, उस ब्लॉक वाले ने मेरा मुंह तोड़ दिया। क्यों मारा क्यों? अब क्या बताऊं यार, सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्ट होंगे सोचा था, लेकिन इतने खतरनाक होंगे नहीं सोचा। ड्यूटी कैसी चल रही है? बहुत कठिन है सर। मेहनत करो, ये सब झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। सर सर क्या हुआ, फील कर रहे हो क्या? क्या है ना सर, देखो उन लोगों को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बाहर अमेरिका में बैठा हुआ हेड यहाँ के हेड पर चिल्लाता है, और यहाँ का हेड यहाँ के लोगों पर चिल्लाता है, और यहाँ के लोग सिक्योरिटी पर चिल्लाते हैं। तो अगर तुमने उन लोगों को उंगली की तो वो हम पर फायर हो जाएंगे। अगर प्यार से रहना है तो उन लोगों से मिलजुल कर रहो, और समझ में नहीं आए तो एडजस्ट करना सीखो, और इसी एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ते रहो। सबसे बड़ी गलती की है, समझ गई तू? और ये ऊपर वाला, गलती तेरी नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती मेरी है, मेरी मेरी ही गलती है। अरे बाप रे, इसकी ईएमआई भी बाकी है। ए भाई, क्या रे, चाय पिएगा क्या? नो। तो फिर कॉफी? नो, न्यू ड्रेस। अरे बाप रे, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है तू, नए कपड़े हैं क्या? सिर्फ नए नहीं, ब्रांडेड भी है, पूरे महीने की सैलरी खर्च करके खरीदा है, यूएस का माल है। इतना खर्चा क्यों किया तूने? अरे टाइम खराब था तो ऐसे रह गया, नहीं तो मेरा रेंज कहीं और होता। हमने जो पढ़ाई की है उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड ही ठीक है। ग्लास रख के आता हूँ, रुक जा। जरा भी दुनिया का ज्ञान नहीं है, पता नहीं कैसे जिएगा। यूएस कमिंग। क्या रे, मस्त लग रहा हूँ ना, यूएस जाऊंगा कि नहीं? हा? अरे तुमको नहीं समझेगा, अभी छोटे हो ना। बाय। सॉरी सर। ए, क्या सॉरी, क्या सॉरी है? रोड पे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, कपड़े पहने लोग होते हैं, मेरे जैसे ब्रांडेड कपड़े पहने लोग होते हैं, देखकर नहीं चला सकती। सर ऑफिस का टाइम हो रहा है सर, लेट हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, आरसी लाइसेंस और वो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, रेवोल्यूशन, पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन सब निकालो। मैंने कहा था ना मेन रोड से जाते हैं, भरना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं तुमको, मुझे यूएस जाना है, चलो निकालो आरसी लाइसेंस। सर वो सब तो नहीं है सर, आईडी है सर। IDM कंपनी का कार्ड लेकर लोगों को मारोगी क्या? अरे तो कैसी बातें कर रहा है, हम भी तो IDM से हैं, हम भी IDM में हैं मैडम। हाँ तो एक ही कंपनी से यार, जाने देना। एक ही कंपनी से है तो छोड़ दूँ। ड्यूटी पर जब जॉइन हुए थे तब क्या सिखाया था याद है? जब हम लोग ड्यूटी पर हो तब लोगों पर जरा भी कीचड़ के छींटे नहीं पड़ने चाहिए। ओके, एक कंपनी से तो छोड़ रहा हूँ, पर याद रखना अब जाओ। ठीक है मैडम, मुझे गाली और थैंक्स इसको। अरे रुक जा यार, कैसे गाड़ी चलाती हो, जब कीचड़ इस पे उड़ा तो ये कितना चिल्ला रहा है, अगर आप कीचड़ में गिर जाती तो सोचो क्या होता। इसलिए मैडम हेलमेट यहाँ नहीं रखना चाहिए, बल्कि यहाँ रखना चाहिए। अभी हैप्पीली जाइए। थैंक यू। हाँ ठीक है, मिलते हैं, बाय। अरे मैं तो एक बात बोलना भूल ही गया यार, तेरे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, चल अब घर चलें क्या? सब तो कर लिया, अब चल। नमस्ते सर। किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। अरे सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा, आप जाइए।
फोटो मिल गई है। किलर्स जिस तरह से लोग काम करते हैं उसी तरह से ये हमारे बदले की आग बुझाते हैं। दड़ियन गैंग, ये लोग इस तरह से जीते हैं जैसे इंसान का इंसान से कोई लेना देना ही ना हो। सुपारी मिलने के बाद ये सभी एक जगह पर मिलते हैं। ये लोग सिर्फ मारना ही जानते हैं, जो मर रहा है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सुपारी लेने के बाद चाहे कोई भी हो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा? मेरा नाम बाहर आया तो? उनकी जान भले ही चली जाए लेकिन नाम बाहर नहीं आने देंगे। अब आप बिना वजह टेंशन मत लो सर, चिल्ड अप रहो। चीयर्स। हेलो। हेलो, कहाँ है तू? तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ, तू बाइक लेकर आ जाना। ठीक है, बाय। ओके बाय। ये क्या है, यहाँ क्यों जा रहे हो? हमको तो उधर से जाना है ना। मैडम आपने शेयर बुकिंग की है मैडम। ओह शिट, जल्दबाजी में देखा ही नहीं। मैं पूरी पेमेंट कर दूंगी, पहले मुझे ड्रॉप कर दो प्लीज। सॉरी मैडम, ऑलरेडी बुकिंग हो गई है। लोकेशन पे भी आ गए मैडम। सर लोकेशन पे आ गया हूँ सर, आप कहाँ पे हैं? अरे मैं कहाँ रहूंगा, यही हूँ। अपना OTP बताइए सर। 3569। आप बाद में भी हंस सकते हैं, पहले सीट बेल्ट लगाइए सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब चलें। ए हाय, पहचाना मुझे? अरे आप कैसी बातें कर रही है, एक ही कंपनी वाले हैं, कैसे भूल सकता हूँ। श्रुति। राजेंद्र। स्टार्ट हो गए। तुमने IDM बताया था ना, पर ऑफिस में तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। लेकिन आप भी मेरे सामने से कभी गुजरी नहीं। मेरी नाइट शिफ्ट है, और आपकी? मेरी डे शिफ्ट है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वर्किंग ऑन AI। हाउ अबाउट यू? ऑफिस के बाहर ज्यादा इंग्लिश में बात करेंगे तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, ऐसा है क्या? लगता है आपको भी मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती। क्या बात कर रहे हो आप, किसको इंग्लिश नहीं आती, किसको नहीं आती? अरे बोलो ना किसको। हम जब बोलते हैं तो कमाल करते हैं। आई एम पार्किंग सर, सेकंड फ्लोर कमिंग सर। ओवर सर। सर आई एम लिफ्ट सर, अपकमिंग सर, जस्ट 1 मिनट सर। ओवर सर। इंग्लिश नहीं आती है इसलिए नहीं, हमारी भाषा में अगर बात ना करो तो मजा नहीं आता है, अगर इंग्लिश में बात करो तो ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। हाँ ऑफिस में बात करना जरूरी है। या हाँ हाँ, आपने सब कुछ बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि आप काम क्या करते हैं। सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी या सिस्टम सिक्योरिटी? अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। अरे क्या मैडम, उसके अलावा भी तो और सिक्योरिटी होती है। मैडम आपका लोकेशन आ गया। ओके राजेंद्र, बाय। बाय। अमाउंट कितना हुआ? 150 मैडम। 2000 का छुट्टा नहीं है मैडम। पेटीएम? कैश ही दे दीजिए ना मैडम, मार्केट जाना है मुझे। कैश कैश। श्रुति जी मैं दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। नो इट्स ओके, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम दोनों एक ही कंपनी की तो है ना, कल नहीं तो परसों आपसे ले लूंगा, उसमें क्या है। ओके ठीक है ना, बाय। चलो भाई। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? अरे यार कितने पैसे चाहिए, गांव जाकर त्योहार मना के आ जाओगे, इतना दे दूंगा, चलो जल्दी चलो। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग मुंबई, हॉर्न के साउंड से जो हमारा शहर गूंज उठता है, और आज रोड पर ट्रैफिक नहीं है, हमेशा मुंबई जिस टेंशन में रहता है एक ही साथ पूरी तरह से साइलेंट हो गया है। आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? 2 दिनों के बाद संक्रांति है। देखा रोड में कितना साइलेंस है, 3 दिन तक शहर में शांति रहेगी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। ए मेरा भी साइन कर, मैं चाय पी के आया। ले 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 ले। अच्छा हमारे बॉस आ गए क्या?
ए मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे त्योहार है सर, सर से छुट्टी मांगने आया था, शायद देंगे नहीं। तू नहीं जाएगा तो त्योहार रुक जाएगा क्या? जहाँ हम हैं वहीं हमारा गांव है, यहीं पर त्योहार मना ले, आने जाने का पैसा भी बचेगा। ए, तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे त्योहार का मतलब सोना चांदी नए कपड़े नहीं होता है, बल्कि अपनों के बीच खुशियां मनाने को त्योहार कहते हैं। अगर तू जाएगा तो पता नहीं अपने साथ कितना बचा कर ले जाएगा। तेरे जाने के बाद तू क्या ज्ञान और यादें लेकर जाएगा? तू यहाँ कितना भी खर्च कर ले वो यादें नहीं ले जा सकता। हम जहाँ रहते हैं वो हमारा गांव नहीं होता है, जहाँ पैदा होते हैं वो गांव होता है। ले ये रख ले, तुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, जा। थैंक यू साहब, लेकिन मेरी ड्यूटी। अरे ये ओवर टाइम करेगा ना। अरे सर तेरी वजह से फंस गया। अरे सर छुट्टी दे दो, मैं भी अपने गाँव जाकर आता हूँ। प्लीज सर मुझे भी त्योहार मनाने का है। ए नागेंद्र, हाँ ये रख ले। नहीं भाई। अरे रख ले यार, गाँव जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। थैंक यू भाई, चलता हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? इन ऑर्बिट में हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। तो ड्राइवर मैं भी आती हूँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है मैडम। मैडम हीरोइन हीरोइन पूजा हेगड़े जैसी दिख रही है। ले लो मैडम, ले लो ले लो। ए, कैसी दिख रही हूँ? दो और पहन लोगी तो दुल्हन जैसी दिखोगी। सॉरी, मुझे लगा मेरी फ्रेंड है। कोई बात नहीं, बहुत सूट हो रहा है, ले लो इसे। थैंक यू। कितना हुआ? 300 रुपए मैडम। 150 में दोगे? अगर यही नॉर्बिट मॉल होता तो मोल भाव करती क्या? दे दो ना मैडम, कमी तो मांग रही है। सब लोग 2000 का नोट देंगे तो चिल्लर कहाँ से लाऊंगा? मैं दे देता हूँ। नो नो इट्स ओके, वो मेरी फ्रेंड है यहाँ। अरे मैं भी तो फ्रेंड की तरह ही हूँ ना, एक ही कंपनी वाले तो हैं, लेन देन तो होता ही रहेगा ना। कल नहीं तो परसों आपसे ले लूंगा, अभी दे देता हूँ। हाँ ये लो, तो अब चले। सब मिलाकर 450 हो गए। अरे कोई बात नहीं मैडम, इधर आओ। यहाँ की ईरानी चाय बहुत फेमस है, पियोगे क्या? ठीक है चलेगा। श्रुति जी। हाँ? चाय। ओह सॉरी। अच्छी चाय है ना? हाँ लग रहा है कि इनऑर्बिट मॉल में पी रहे हैं। हाँ? सच में बहुत अच्छी है। थैंक्स। लेकिन ये क्या है मैडम, हाईटेक सिटी छोड़कर ओल्ड सिटी में आ गई? आज मेरा वीक ऑफ है, और तुम्हारा? ये सब हमारे लिए नहीं है मैडम, छुट्टी मांगो तो मिल जाती है। हाँ या कंपनी को सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है ना? जी हाँ मैडम। हाँ कहाँ है तू? बगल वाले कैफे में हूँ। हाँ आ रही हूँ। हम लोग चाहे कितने भी केयरफुल रहे, हैकर्स तो हैक कर ही लेते हैं ना। तुम लोग फायरवॉल को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? अरे ये फायरवॉल क्या है, हम तो पूरे कंपाउंड को अच्छी तरह से देखते हैं। हाँ? ज्यादा सीक्रेट नहीं बता सकते मैडम, जॉब का मामला है ना। या ओके। 30 रुपए मैं देती हूँ। अरे रहने दो, मैं दे दूंगा ना, कोई बात नहीं, सब कुछ मिलाकर अभी तक 480 हो गए। मैंने कहा था ना कैब में चलते हैं, अब तक तो रूम में भी पहुँच गए होते हैं हम लोग। कैब 150, टी 30, ज्वेलरी 300, टोटल कितना हुआ? अहम, ये क्या बकवास कर रही है, पीने के बाद तुझे होश ही नहीं रहता। हे वहाँ शूटिंग चल रही है, चलना देखते हैं ना। अरे कोई शूटिंग नहीं है, पुलिस वाले खड़े हैं। ए फूको, अरे फूको, ये तो है ना। तुमने जैसे हाथ उठाया ये डर गया, मैं भी डरू क्या सर? डर लगता है सर, मैं कौन हूँ पता है?
अरे नहीं भाई। अच्छा मेरा भाई कौन है पता है? वो भी पता नहीं। मैं कौन हूँ पता नहीं, मेरा भाई कौन है पता नहीं, फिर भी मेरे को रोड पे पकड़ के रखा है। तुझे गवर्नमेंट की स्पेलिंग आती है? नहीं आती। नहीं आती। साइकोलॉजी की स्पेलिंग आती है? वो भी नहीं आती। ये भी नहीं आती। कुछ नहीं आता। गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है उसकी भी स्पेलिंग नहीं आती है। फूंकना आता है क्या? हेलो लाओ मशीन, अब मैं फूंकता हूँ। फूंकना दोनशे डबल सेंचुरी। विराट कोहलीला पण मागे सोडलं तू क्या? अरे बट्टेबाज, अब तक तू क्या क्या बोल रहा था? तू कौन है? तेरा भाई कौन है? कौन है रे ये सब? भाई बनता है तू? तुला आत्ता दाखवतो। चल गे हाथ मध्ये। श्रुति मुझे एक डाउट है, हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? तुझे पता है तो क्यों पूछ रही है, मैं ही हूँ ना। अच्छा तो जरा स्कूटर पकड़। पकड़? तू सच में बहुत खूबसूरत है। मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। इट्स ओके, अगर मैं पकड़ी गई ना तो मुझे लाइफ लॉन्ग घर बैठना पड़ेगा। तू पकड़ी गई तो कोई बात नहीं, बाय। ए, 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 कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, तू खूबसूरत है ना, कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा। श्रुति है। भगवान भगवान प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज भगवान जी प्लीज 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 बचा लो। ओके मैडम। अरे फूकिए, एक मिनट, मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे। अरे सर एक मिनट रुकिए। क्या श्रुति, इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर आ गई, बताओ लोग क्या समझेंगे? हाँ? ये छोटी छोटी गोष्ट का है, मुझे भी मालूम होना चाहिए। सर वो क्या है ना, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, 2 साल से प्यार कर रहे हैं और घर वालों के खिलाफ हमने शादी की। ये कोई नई बात तो नहीं है ना? सर इसकी डे शिफ्ट है और मेरी नाइट शिफ्ट है, हफ्ते में हम बस एक दो बार ही मिलते हैं सर। तो होता है यूं कि खाना खाने के लिए हम लोग स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं सर। अरे पति हो तो तेरे जैसा होना चाहिए। बड़ा तुझा का प्रॉब्लम है? वो पूरे हफ्ते बाहर खाना खाते हैं ना, इसलिए आज हमने घर में प्यार से खाना बनाया है सर। अरे बीवी हो तो तेरे जैसी हो, आता तुझा का प्रॉब्लम है? वो क्या है ना, बस दाल में नमक ज्यादा है बोल दिया, इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए ये रोड भी उतर आ गई सर। अरे पागल इंसान, ये छोटी बात नहीं है, औरतों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तू बाजू में आजा, मैं तेरे को समझाता हूँ। आजा आजा आजा, आजा। देख क्या है ना भाई, बीवी ने खाना बना लिया वही बहुत बड़ी बात है, चुपचाप खाना खाओ ना, कमियां क्यों निकाल रहे हो? अरे आज के जनरेशन की पत्नी को मैनेज करना नहीं आता क्या तुम्हें? हे बग, भले बीवी ने बनाया खाना अच्छा नहीं हो, अच्छा है ही बोलने का, अच्छा नहीं तो भी बोलने का, मस्त खाना बनाया डार्लिंग तू। अरे शादी के बाद ये सब करना पड़ता है यार। और बोलने का, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तू ही है। आई शपथ, भगवान ने औरत को खूबसूरत बनाया और औरत ने दुनिया को झूठा बनाया। सुनो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? सर आपने मेरी आंखें खोल दी सर। एक मिनट सर। सॉरी श्रुति, दाल में नमक ज्यादा तो मुझे लगा तुम्हारी गलती है, लेकिन गलती तो नमक की है ना, प्लीज मान जाओ ना श्रुति। अब चुपचाप पीछे हट जाओ। थैंक यू सर। स्टॉप इट, फूंक मार। मला कोणी बेवकूफ बनवू शकत नाही। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अरे रुक, अरे तू आराम से आ भी गई, मुझे तो लगा था कि पुलिस वाले तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। तेरे लिए ही न्यूज़ देख रही थी मैं, सोचा था वहीं कोई खबर मिलेगी तेरी। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई यार? अब तक कुछ नहीं हुआ। हा? लेकिन अब जरूर होगा। क्या होगा? अरे कहाँ जा रही है? शराब के नशे में एक कम से लड़की ने अपनी सहेली को मार दिया। मैंने उसे छोड़ दिया, अब तुम भी मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, सॉरी श्रुति जी सॉरी, वहाँ आपको बीवी बोल दिया, यहाँ पर कमर पकड़ी, इसलिए आप मेरे बारे में कुछ गलत मत समझ लेना। ठीक है मैं अब चलता हूँ, चलो क्या, बाय बाय। राज ये लीजिए आपका बैग, फिर से सॉरी, अब चलता हूँ, बाय गुड नाइट। राज T30 कैब 150 ज्वेलरी 300 हाँ टोटल कितना? टोटल 480 दे देना।
हाँ दे दूंगी मैं अभी देती हूँ। अरे बाद में दे देना। नहीं अभी देती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना बाद में दे देना। नहीं रुको रुको ले लो मुझे तो सही मत। ये लो। 1000 की नोट की बजाय ये बन हो जाना चाहिए था। नंबर दो गूगल पे करती हूँ। अरे श्रुति जी बाद में देख लेंगे। पहले नंबर बताओ। मैडम सब कर लेंगे। अभी पे कर लेंगे। अबे इनडायरेक्टली नंबर मांग रही है। 9848037 4892। ठीक है श्रुति जी तो मैं चलूं। बाय गुड नाइट। बाय कभी भी फोन करना। राज सोमराज ट्रेडिशनल ब्रांड यू नो पूरा कार्टून लग रहा है इन कपड़ों में। तेरे चक्कर में लेट हो गया। मैं अपने बाल भी नहीं स्ट्रेट कर पाई है। तू टेंशन मत ले। हाय हेलो श्रुति जी। हाय हाँ चलिए ना। हाय एक बात कहूँ बुरा मत मानना। जब आपके बाल हमेशा हवा में लहराते रहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एकदम नेचुरल है। थैंक यू राजेंद्र तुम अरे कैसे हो? अच्छा हूँ। लाइन में क्यों खड़े हो? नहीं नहीं चलेगा। अरे आओ ना मैं कह रहा हूँ आ जाओ। हमारा वोट है चलो। भाई चाय। ये किसने आपके लिए दिया है? क्या है? पता नहीं। अबे दिया किसने? पता नहीं कौन था नहीं जानता। पहली बार करवा रहा है हमारी तो आदत है। लड़का पसंद आ गया तुम्हें? अमेरिका का रिश्ता है। अगर तुझे ठीक लगे तो 3 दिन के अंदर उन्हें बुला लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर शादी। जैसा मैंने सोचा है अगर वैसा हो गया तो तू 1 महीने के अंदर अमेरिका होगी। तेरे पापा तुझे यहाँ आने के लिए कह रहे हैं। ये सब क्या है माँ? कॉमेडी सीरियल चल रहा है? उसका चेहरा भी देखा आपने? यक। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? अगर तेरी लाइफ में कोई लड़का है ना तो मुझे अभी साफ साफ बता दे। बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। समझ गई ना? माँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं लड़के की फोटो भेजती हूँ, तुम बस पापा को कन्विंस कर लेना और अभी मैं रखती हूँ। नहीं नहीं मेरी बात हो रही। बाय डन। वैसे अगर तुझे बताना ही है ना तो अपने घर वालों को नहीं पहले उस लड़के को बता। वो नहीं बताएगा क्या? अगर उसे बोलना होता ना तो कब का बोल चुका होता। सो तू बोलेगी तो बेटर रहेगा। तू पागल है क्या? उसका फोन आ रहा है। अरे उठाना। हेलो श्रुति जी। हेलो। हेलो क्या बात है श्रुति जी? आपका मिस कॉल आया था। सॉरी वो गलती से कॉल लग गया था। शाम में फ्री हो? मिले क्या? अरे सॉरी श्रुति जी आज तो पूरा बिजी हूँ। नाइट में फंक्शन है ना तो सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है। ए, अरे वो बोर्ड वहाँ पे लगाना। ओह मैं तो भूल ही गई। अच्छा ठीक है शाम को फंक्शन में ही मिलते हैं। हाँ ठीक है ना। ओके बाय बाय। तो आज शाम को उसे बता देगी ना? बताना ही पड़ेगा।
चल बाहर चलते ना। Annual awards. Regarding this, I would like to call upon Mr. Sanjeev Gupta, Director and Business Head of IBM Solutions. Welcome, sir. Welcome. And next, Vice President, please come on the stage. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. अगर क्या बात है? Here is the list of the awards. The best project of the year goes to Mr. Sanjay Mishra. Congrats! Congratulations! फोन ही नहीं लग रहा उसका. पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है. The best team of the year goes to Wildsticks. Please come on the stage. अच्छा बता, तूने अब तक बताया क्यों नहीं? वैसे वो कौन से डिपार्टमेंट से है? The best security of the year goes to Mr. Rajendra. Please welcome. Come on the stage. बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी. चल अंदर. Hey Rajendra. Come here. अरे सोच कर रहा है. जा. Please come. जा जा. Just as we respect the army who guards our border, we also respect our security who guards us and our company. मूड कितना खराब हो गया है। हे सिक्योरिटी, तो कमाल है यार, लोग अपने साथ सिक्योरिटी रखना चाहते हैं और तूने तो सिक्योरिटी को ही पटा लिया। ग्रेट। हे, डोंट मेक फन ऑफ हर, दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। मंदिर में दर्शन के लिए, थिएटर में टिकट के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल करने पर सब कुछ हो जाएगा, एकदम फ्री फ्री फ्री। लड़के की हाइट बोलो, वेट बोलो, हमसे एक स्टेप ऊंचा होना चाहिए। सच है, तेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। तो ट्रेंड फॉलो करती जा, मैं ट्रेंड सेट करती हूँ। ए, तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, रिसीव कर और स्पीकर ऑन कर। हाँ माँ, बोलो। बोलने के लिए क्या रह गया है? तेरे पापा का कैलकुलेशन गलत साबित हो गया, अंबिका का रिश्ता भी कैंसिल कर दिया तुम्हारे पापा ने, तो जल्द से जल्द उसे लेकर यहाँ आ जा। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। Stop it guys, I can't take this anymore. श्रुति जी, श्रुति जी। अरे कमाल है श्रुति जी, रात से आपको मिठाई देने के लिए फोन करा था लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ, आप फंक्शन में बिजी जो थी। ठीक है, पहले ये स्वीट खाइए ना। अरे लीजिए लीजिए ना। मुझे ना बेस्ट सिक्योरिटी का अवार्ड मिला है और मेरी ड्यूटी भी डे शिफ्ट में हो गई है, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ा दी है। अब हम लोग रोज दिन में आराम से मिल सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप कल बोल रही थी कि मिलना है, कुछ बात करनी है, बोलिए ना। तो कुछ पूछ रहा है, बता बता ना। बताइए ना, क्या बात है, बोलिए। अभी बताती हूँ, ये लो। अरे आपके पास रहे या मेरे पास रहे क्या फर्क पड़ता है, बाद में ले लूंगा आपसे। तुमसे थोड़ी बात क्या कर दी, कुछ ज्यादा ही फ्री हो गए हो। ये लो। क्या हुआ? तू बुरा मत मान, ये लड़की लोग ऐसे ही रहती हैं, कब क्या बात करती हैं कुछ पता नहीं चलता। उसने जो बोला उसमें गलती क्या है, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। इतना भी अच्छा होना बुरी बात है? हाँ, हाँ
आता नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा है। अरे पहले सुनो तो। ए निकल। अरे भाई ओपन करो। ए निकल। ए गाड़ी घुमा लेना। ए क्या रे, इधर भी रोक दिया, इधर चल क्या रहा है, हम जाएंगे कहां से बता। अरे रुक तो। अरे ये क्या रे, चल निकल तू, रुक मैं इसको बताता हूं। अरे ये क्या, चल निकल, चल निकल करता है ये भूसा। सुन तो रमा मेरा आईडी कार्ड देखा क्या? नहीं भाई साहब। कहाँ रख दिया? कहाँ है? ओहो, कहाँ रखा था मैंने? ए ए उठ जा, आज भी ऑफिस नहीं जाएगी क्या? मेरा मूड नहीं है, तू जाना। अरे और कितने दिन तक नहीं जाएगी? जाऊंगी तो उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, मुझसे नहीं होगा। He has cheated me. ए, उठ, उठ। क्या कहा? चीट किया? उसने? अगर उसे सच में चीट करना होता ना, तो ऑफिस में मिलने की बात कभी नहीं करता। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में तेरे सामने कभी भी नहीं आता। वो शुरू से लेकर आज तक हमेशा एक जैसा ही है। तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तूने गलती की है। बाय साहब, आईडी कार्ड इधर। हाँ आ रही हूँ। ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। अरे ये आईडीएम की है यार, हम भी तो आईडीएम के हैं। हम भी आईडीएम के हैं मैडम। डेटा सिक्योरिटी या सिस्टम सिक्योरिटी? अरे क्या मैडम, उसके अलावा भी तो और सिक्योरिटी होती है। तुम लोग फायरवॉल को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? अरे ये फायरवॉल क्या है, हम तो पूरे कंपाउंड को अच्छी तरह से देखते हैं। जब आपके बाल हमेशा हवा में लहराते रहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम नेचुरल है। हेलो सुदर्शन, कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ रहेंगे? ड्यूटी पर। राज का फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। बेसमेंट में सिग्नल नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। सोचा था सिक्योरिटी गार्ड है, काम होने के बाद बता दूंगा भाई, लेकिन ऐसा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। पोस्टमार्टम हो गया है, साइन करके बॉडी को लेकर जाओ। Come on.
जिसने सुपारी दी थी उसका फोन आया। एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को मार नहीं सके, तुम लोगों को कौन देगा रे सुपारी? तुम जैसे निकम्मे लोगों को चुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब फोन रखो। कौन है तू? मैं कौन हूँ, इससे तुझे क्या लेना देना है? जो सुपारी लेकर मारना नहीं जानता उसे मैं अपना नाम नहीं बताता, उसको सवाल करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो अपना काम करके फोन कर। ए, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? फ्रेंड का फोन आया था तो बात कर रहा था। चल चलते हैं। उल्लू मत बना, सब सुन लिया मैंने। मतलब उस रात जानबूझकर वो लोग ने हमला किया था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बता। मुझे ढूंढते हुए ये आना चाहिए, इसे मारने की सुपारी किसने दी? मैंने ही अपने आप को मारने के लिए सुपारी दी थी। ये सिर्फ एडवांस है, प्लान मिस नहीं होना चाहिए। जो आए थे उनको मैंने ही मारा। जो तूने देखा वो एकदम सही है, और जो सुना वो भी। मारने से पहले देख लो किसको मार रहे हो। एक करी मार रहा हूँ रे, अभी तो 5 मिनट के अंदर दूसरा खेल शुरू होगा। 10,000 रुपया किसने लगाया भाई? चलो आओ आओ आओ, नाम बोलते जाओ अपना अपना, जल्दी कराओ। चाकू की धार की तरह सबकी नजर उस पे होनी चाहिए। अपना यह मुर्गा हारना नहीं चाहिए, वरना सबके सामने अपनी बेइज्जती हो जाएगी। राजा का राजा है ये मेरा राजा अजय राज, तुम्हारी मूंछों का ताव घन घोर है, ताड़ के झाड़ की तरह हाइट तुम्हारी जबरदस्त जोर है, तुम्हारा सीना 56 का है, तुम्हारी चाल तुम्हारी नजर शेर जैसी, अरे थोड़ी हम पर दया दिखा दो, पीने के लिए थोड़े पैसे दे दो। प्यार को पैसे से क्यों खरीदें? बिल्कुल सही बोला। ये बता, इसीलिए बोलता हूँ एक्शन कर, ओवर एक्शन मत कर। अगर जीतना सीखना हो तो इससे सीखना चाहिए कैसे इसे सबको मारा। क्या बात है? गांव में कोई और मुर्गा है क्या जो इससे लड़ सकता है? यह सब खत्म हो गया है तो सामने आ। ए, पीछे।
हाँ बोल काशी। सुनिए बड़े साहब जी, अभी पूरा हिसाब किताब किया है, पाव एकड़ में 25 किलो झींगे मिले हैं। मैं घर जाके हिसाब करके बताता हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 एकड़ की जमीन में कितने किलो झींगा पैदा हुए, 1 लाख के, और 15 एकड़ के कुछ होंगे 25 से 30 लाख रुपए के, और 100 एकड़ जमीन के लगभग कुछ 1 करोड़ रुपए। अरे पूरा 1 करोड़ रुपया होता है तो इसके लिए तुझे घर जाकर हिसाब करने की क्या जरूरत है? कौन सा बड़ा 1 करोड़ रुपया बड़ा अमाउंट है? अरे बाबा पहले जो मुंह खोला ना उसे बंद कर, मतलब जमीन पर जो झींगा उछल रहा है ना वो टोकरी में डाल उसे। अरे वेंकी मुकाबले के लिए लेट हो रहा है, अपना मुर्गा राजा कहाँ है? अरे बाप रे, इधर ही कहीं होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे इसकी ऐसी की तैसी कहाँ चला गया होगा? अरे मेरी शक्ल क्या देखता है, चलना ढूंढते उसे। चलो मालिक। अरे ये तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कह रहा था कि पता नहीं कहाँ चला गया। अबे तेरी तो चुप, बकवास मत कर, तू वहां जाके देख, मैं यहाँ जाके देखता हूँ, चल जा। अबे इसकी तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बस आ गया, किसी ने देखा ही नहीं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जाओ जाओ यहाँ से। बुलाने की बजाय मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है? वैसे भी जहाँ मैग्नेट होता है वहाँ पर लोहा भी तो होता ही है ना। वो मेरा मुर्गा तुम्हारी मुर्गी के पीछे आया और मैं तुम्हारे पीछे आ गया। ओह अच्छा, बड़े स्मार्ट हो तुम तो। वैसे एक बात कहूँ तुझसे, बहुत ही कमाल की नजर आ रही है आजकल, इतनी सुंदर कैसे बन गई? सो ब्यूटीफुल। गधा कहीं का, तो जरा भी नहीं सुधरा, लड़की देखी नहीं कि बस चालू हो जाते हो। कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर सकते हो ना। अच्छी लड़की बात सही है, ये बीच में शादी कहाँ से आ गई? अरे इस सेठ का दिल ना एकदम सिनेमा हॉल की तरह है, हफ्ते में पिक्चरें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, कोई भी पिक्चर परमानेंट नहीं चलती। अरे मुझे ये उल्टे पुल्टे जवाब देना बंद करो, चलो जल्दी से अपना मुर्गा ले जाओ और निकलो, निकलो यहाँ से। मैं जाऊँ क्या, इसके आगे और कुछ नहीं? अब इसके आगे एक बार भी तेरा मुर्गा मेरी मुर्गी के पीछे पड़ा ना, तो उसे काट के मसाला डाल के खा जाऊंगी। फिर से आ गया तू, एक बार कहा तो शर्म नहीं आती? तू चाहे कितना भी बोल ले, मुर्गा मुर्गी मिलते तो अंडा देना ही पड़ेगा, मुर्गा आया है तो मुर्गी को कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल जा यहाँ से। अब यहाँ पर असली मुकाबला शुरू होने जा रहा है, मुकाबला है 10 लाख का, पूरा 10 लाख का, राजेंद्र का मुर्गा और अजय। तेरा दुख समझ में आ रहा है मुझे। देख भाई अगर तू जीत गया ना तो शाम तक तेरे लिए 4 मुर्गियों का इंतजाम करूंगा, बस जीत जा। राजेंद्र भाई कभी अपनी जुबान से पलटते नहीं है। फिर से दोनों मुर्गा आपस में लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, मुकाबला जबरदस्त मुकाबला, अब आएगा मजा। Shabash! Wow! 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 W
रोक तोड़ जवाब। अरे बाप रे, राजेंद्र के मुर्गा के वजह से हमारे अजय राज को टेंशन हो रहा है। हमको तो लगता है अब वो अपना मुंह लटका के निकल लेंगे। तो क्या है अजय राज जी, मुकाबला मतलब जीतना या फिर हारना होता है। मैदान छोड़कर कोई भागता है क्या? आपकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तू सुपर है यार, ले पकड़। एक तू ही है यार जिसने आखिरी टाइम पे ये मुकाबला राजेंद्र की तरफ कर दिया। ले गिनती कर ले, तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मालिक मैंने पूरे पैसे आपके मुर्गे पे ही लगाए थे, पर थोड़े से पैसे राजेंद्र के मुर्गे पर भी लगा दिए। एक्टिंग करनी चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं, समझ गया? ए अजय राज, राजेंद्र 10 मिनट लेट आया तो मैदान छोड़कर भाग गया ऐसा सोच रहा था। अरे कुछ जरूरी काम में फंस गया होगा ये भी तो सोच सकता था। पता नहीं लोग सही मायने में सोचना कब से शुरू करेंगे। जब तक ये राजेंद्र और उसका मुर्गा इस गांव में मौजूद हैं, तब तक दूसरे का जीतना तो बहुत मुश्किल है। देखा भाई आपने कैसे मूछों को ताव दे रहा था। मूछों का क्या है रे, कोई भी ताव दे देता है। इसे बच्चा समझ के छोड़ दिया ना तो ज्यादा ही उछल रहा है। अगर अपने को जीतना है तो उसकी मूछे नहीं रहनी चाहिए और वो गांव में भी ना रहे। समझ गया ना? समझ गया ना भाई, बस इतना ही ना? हाँ भाई इतना ही। मैं बर्बाद हो गया साहब, सारी मछलियां मर गई, मैं बर्बाद हो गया। ये सब क्या हो गया? मैंने तुझसे कितनी बार कहा लेकिन तूने सुना ही नहीं। लोग खेती करके भी पैसे कमाते। मैंने क्या सोचकर ये तालाब बनवाया और तूने नुकसान करवा दिया। ऊपर से ये उधारी ब्याज सब पड़े हुए हैं। तेरा क्या होगा कभी सोचा तूने? अच्छा हुआ किसे टाइम पे देख लिया, नहीं तो क्या होता। अरे होना क्या था, ये भी नदी में तैरता नजर आता। दुनिया में हर आदमी ऐसा सोचता है कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। वो क्या है ना, झींगा पैदा करना मतलब सिर्फ पानी होने से नहीं होता। उसे पालते कैसे, उसका खाना क्या है, उसकी दवाई क्या है, उसकी जरूरत, उसकी देखभाल, वजन कितना होना चाहिए और वो मर गया तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब होने चाहिए और जब ये ना हो तो उसका अंजाम बिल्कुल यही होता है। अरे यार 25 एकड़ में से 15 एकड़ की जमीन मुझे लिखकर देने के लिए बोला था ना मैंने, तूने सुना ही नहीं। अब देख लिया क्या हालत होगी बेचारे की। ठीक है अब जो होना था वो तो हो गया, तेरा नुकसान तो मैं दे दूंगा, आके पेपर साइन कर दे। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मजबूरी का फायदा उठाकर किसी को भूखा रखकर अपना जेब भरते हैं। इसके नुकसान का मतलब ये नहीं कि अपना सब कुछ बेच देगा, वरना ये कहीं का नहीं रहेगा। अरे वाह क्या बात बोली आपने, बोलने में क्या जाता है, वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन अभी इसे तसल्ली नहीं चाहिए, नोट चाहिए। Hey, किससे बात कर रहा है, सोच समझ के बात कर। अरे बाप रे, मैंने अभी ऐसा क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा आ रहा है। वैसे कल को इसे देखने के लिए सूरज के अलावा और कोई सूरज नहीं आएगा। ठीक है चलता हूँ। इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, बड़े पापा ने भेजा रख लीजिए। नहीं बेटा, उस दिन मैंने उनकी बात सुन ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम एक ही गांव में रहते हैं लेकिन रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख में उनकी मदद भी करनी चाहिए। कोई बात नहीं आप रख लीजिए। बेटा सावधान विश्रम, सावधान विश्रम। हाँ बोल भाई। अरे शहर जाना है यार, कितना लेट होगा। अरे वो क्या है ना कि मेरी भांजी को मुर्गे के मुकाबले में, छी मतलब भागने के मुकाबले में पहली रैंक आई है, इसलिए प्रेसिडेंट को बुलाना है, झंडा लहराना है, प्राइज लेना है। अरे जल्दी आना, लेट हो रहा है राजेंद्र। हाँ तू ही बात कर लेना, तू ही कर। कदा कहीं का इतना शौक मत हो, अपनी आजादी अपने को ही लेनी पड़ेगी। तू ये चॉकलेट बांट दे, मैं झंडा लहरा के आता हूँ, चल शुरू हो जा। वंदे मातरम।
ए, क्या कर रहा है ये? अरे भाई, खड़े खड़े बच्चों के पैर जल रहे हैं, झंडे फहरा देंगे तो बच्चे चॉकलेट खाकर खेल कूद सकेंगे और अपना अपना प्राइज लेकर बेचारे घर चले जाएंगे। चलो खींचो तो एक काम हो जाएगा ना। झंडा फहराने के लिए पता भी होना चाहिए, लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। 15 अगस्त मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ चॉकलेट का प्राइस है? मुझे पता नहीं है मास्टर जी, हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है तो गिफ्ट मिलते रहते हैं, आज भी तो यही हो रहा है। और वैसे भी हमारे गांव में मुझसे बड़ा कौन है? तेरे पास बिल्कुल अकल नहीं है, चल जाए यहाँ से। नमस्ते 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 भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, अरविंद तुम भी चलो। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठिए सर। ए, बड़ा मतलब बाप की जायदाद उड़ाने वाला नहीं, झंडा फहराने के लिए देश का प्रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर कम से कम गांव का ही प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट साहब चलिए झंडा फहराइए, अरविंद तुम भी आओ। आइए आइए प्रेसिडेंट साहब, झंडा फहराइए। ठीक है मैं चलता हूँ सर, कुछ खा के जाने। कोई बात सर, नहीं मैं चलता सर, आने के लिए आपका आभार। नमस्ते मैडम। स्टूडेंट डिस्पर्स, चलो चलो चलो। हाँ हम लोग कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? रास्ते में तुझे छोटे बच्चे मिलेंगे ना, तो उनके साथ बैठ के गिल्ली डंडा खेलना, चल निकल। चलो बच्चों चलो चलो आराम से। देखिए मास्टर जी, अगर किसी के पास पदवी है तो वही झंडा फहरा सकता है, तो फिर एक बात याद रखना, अगले साल आज ही के दिन झंडा मैं फहराऊंगा, राजेंद्र की हैसियत से नहीं, प्रेसिडेंट की हैसियत से। जा रहा हूं नॉमिनेशन डालने। किसी ने देखा तो नहीं? आप सभी गांव वालों को राजेंद्र भैया की तरफ से नमस्कार। अब सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके हर काम में उन्नति होगी, पैसे कमाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, देखना आप लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आप लोगों को इसके लिए बस इतना करना है कि हमारे राजेंद्र भैया को प्रेसिडेंट के चुनाव में भारी वोटों से जिताना है। अनु बेटा चलो उतरो, हम आ गए। प्रेसिडेंट साहब, वो राजेंद्र आपके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ है और आप कुछ कह नहीं रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरे ये क्या बेटा, बिना बताए चले आए, कम से कम फोन तो किया होता। सॉरी पिताजी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आओ। हाँ आओ बेटी आओ। लक्ष्मी जी, इनका सामान लेकर जाओ। आओ बेटा आओ, चलो ना अंदर चलो। अरविंद बेटा, अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? हाय कैसा है? कृष्णा की दुकान पर जा और मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ, और सुन हाँ? उससे कहना घर पर भिजवा दे, और तू अपने खेतों से नारियल पानी लेकर आ, जा जल्दी जा। हाँ बेटा अंदर बैठिए बैठिए। कैसे बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या राहुल, बहुत दिनों के बाद आए, कुछ दिन रहकर ही जाओगे ना? अरे कुछ दिन क्यों, अभी मेला लगने वाला है, मेला देख के ही जाएगा, है ना? मैं आपसे यही रहूंगा। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। अरे पिताजी। अरे बेटा जरा संभाल कर। क्या कह रहा था? मुझे अमेरिका जाना है पिताजी। इस बारे में तो सोचा ही नहीं बेटा। इसमें सोचना क्या है, वहाँ लाइफ बहुत अच्छी है, स्टडीज खत्म होने के बाद वही सेटल हो जाऊंगा मैं। क्या हुआ बेटा, अभी तक सोए नहीं, क्या कर रहे हो? वही ऑफिस का काम, वो पूछ रहे हैं कि मैं वापस कब आऊंगा, कह दिया कि नहीं आऊंगा। पर तूने तो कहा था वहाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, पैसे चाहिए? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ सब कुछ अच्छा है, अगर इसे नहीं देखता हूँ तो बहुत बेचैनी होती है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, तब जाकर उसे माँ बनने का एहसास हो पाता है। सॉरी पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, 10-15 साल जब बेटे को मैंने पाला तब समझ में आया, पिता बनने पर ही समझ में आता है। काम खत्म करके सो जाओ। देर तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं, ठीक है जी।
ए, ये तू भी ले, ले तू भी ले। हाँ देता हूँ ये ले। भाई, अरे ये लोग माइनर हैं, मेजर नहीं। अरे हाँ पापा जानता हूँ मैं। एक जमाना था जब बड़े बोलते थे बच्चे सुनते थे, लेकिन अब बच्चे बोलते हैं और बड़े सुनते हैं। तुम सब लोग खाना पीना छोड़ दोगे और रोकर स्कूल जाओगे, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। अपने माँ बाप को जाके बोल दो, होलसेल में तुम्हारे सारे परिवार के वोट मुझे मिलेंगे। आया समझ में? समझ में आ गया प्रेसिडेंट साहब। अब ये बच्चे माइनर नहीं, मेजर हो गए। हमारा निशान काला मुर्गा, हमारा निशान काला मुर्गा। सब लोग जाओ, काला मुर्गा याद रखना। अरे हाय। हे हाय, कैसा है रे तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वैसे एक बात बता, बिना बताए अमेरिका में सेटल हो गया और वहीं पर तूने शादी भी कर ली। अरे मेरे गांव से कोई बाहर चला जाता है तो मुझसे रहा नहीं जाता यार, और तू तो वहां जाकर सीधे सेटल हो गया, पता नहीं कैसे बस गया यार। चल ठीक है, पढ़ाई करके विदेश में जाकर कुछ पैसे कमा करके आ गया, वहां जाकर कोई बसता है क्या? तू जरा भी नहीं बदला, जैसे पहले था अभी वैसे ही है। मैं तो नहीं बदलूंगा, हाँ पर एक बार प्रेसिडेंट बन जाऊं तो पूरे गांव को बदल दूंगा। अब गांव में प्रेसिडेंट बनने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, जानबूझकर अपना बीपी लेवल बढ़ा लेते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं। बाकी अप्लाई तो मैंने कर दिया है, अब उसे फाइनल भी मैं ही करूंगा। बाकी ये गांव ये जिला कुछ भी नहीं है, पूरे दिल्ली को और देश को बदल देना है मुझे। वैसे एक बात बता, इलेक्शन में तू अपने पिताजी को यहाँ पर जिताने के लिए तो नहीं आया ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कल मेरी बेटी का बर्थडे है और तुझे आना ही होगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बहुतों को इनवाइट करना है। अरे बैठना थोड़ी देर यार, एक तो बड़ी मुश्किल से आता है, एक बैग लेकर जा सकता है ना? ऑल फॉरेन ब्रांच अवेलेबल? नहीं अभी नहीं यार, अगली बार पक्का बैठेंगे। ठीक है तेरी मर्जी, बाय भाई। चल बाय। फोटो प्लीज। ऑल द बेस्ट बेटा, हैप्पी बर्थडे। इस तरह आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा है, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। यार सारे बुढ़े लोग यहीं पर भरे पड़े हैं, वो मेले के दिन भी बुढ़ों ने दिमाग खराब कर दिया था। क्यों ना हम अंदर चलकर देखते हैं? ठीक है चल चलते हैं। क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहा है, तू ही पी ले, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। थैंक यू, तू भी ले। थैंक्स है। थैंक्स है। ये वहाँ खाना खत्म हो रहा है, जाओ। अरे जल्दी जाओ नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा, जाओ जाओ जल्दी। हाँ जाओ। अब ठीक है? हा? इसको किसने बुलाया रे? आपको जिसने बुलाया उसी ने बुलाया होगा। क्या बात है राजेंद्र, बहुत देर से आया। वो थोड़ा प्रचार। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सभी लोग खाना खाकर जाना। जी है ठीक है। हाँ बैठो बैठो, पास वाले गांव के लोग आ रहे हैं, सबका ध्यान रखना और सबको खाना खिलाने के बाद ही यहां से सबको खिलाकर ही भेजेंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत है? आ बेटा हाथ आगे करो। आप देख रहे हैं ना भैया, 3 ग्राम की अंगूठी देकर कितना बिल्डअप कर रहा है। हाँ, ए, देख क्या रहा है, फोटो निकल। अपनी 3 ग्राम की अंगूठी थी और वो 300 रुपए का खिलौना लेके आ गया। हाय, ये मेरा दोस्त है राजेंद्र, माय वाइफ मोनिका। हेलो जी। वैसे ये हमारे बैच का हीरो था, मेरी अब तक शादी तो नहीं हुई लेकिन इसकी बच्ची देखिए कितनी बड़ी हो गई। भाई यार। राहुल ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, सुना है आप टैलेंटेड हैं। अभी ये सब क्यों यार? अरे राजेंद्र क्या कर रहा है, क्या जरूरत है इसकी? अबे तू चुप कर यार, राजेंद्र गिफ्ट दे तो उसका वजन भी उतना होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। चलो भाई अभी यहाँ रुक के कुछ फायदा नहीं है, चलो यहाँ से निकलते। अब कुछ नहीं हो सकता, इसको फिनिशिंग टच देना ही पड़ेगा। क्या रे उन सबको खरीद लिया ना? सब लोग ओके बोल रहे हैं ना? कोई मिस नहीं होना चाहिए, जिसको जो चाहिए सीधे उसके मुंह पे मार, एक वोट भी मिस नहीं होना चाहिए। चल अब रख। ए, जिसको जो चाहिए सीधे उसको वो पिला, पूरे वोट हमको मिलने चाहिए। नमस्कार प्रेसिडेंट साहब। नमस्ते जी। हाँ अरे साहब जी यहीं रहेंगे, वहाँ थोड़ी ना जाएंगे, हमारा वोट आपको मिलेगा। हमारा भी वोट आपको ही मिलेगा। ए, हाँ भाई
इन दोनों को भी पूरा खंबा देकर भेज। ठीक है, आप महान हैं। वोट डालना भूलना मत। आपको मिलेगा वोट। ये राजेंद्र साहब को सोना पिलाया। ये लो भाई। राजेंद्र भाई ये बिल है। तीन दिन का इतना सारा बिल? ये तीन दिन का नहीं, एक दिन का बिल है। गांव में कोई पानी नहीं पीता है क्या? ठीक है दे दूंगा। ठीक है जी। नमस्ते राजेंद्र भाई। ठीक है ठीक है, पियो पियो, आराम से पियो, जितनी चाहिए उतनी पियो। वोट काले मुर्गे को मिलना चाहिए। और क्या हाल है यार? अपने बैच का वो राहुल है ना, बहुत होशियार है। अरे अब ये भी कोई मामूली बात थोड़े ना है। अमेरिका से आने के बाद भी वो किसी को भी नहीं बोला और पूरे गांव वालों को बुलाया, किसी को नहीं बुला, यहाँ तक कि इसको बुलाना भी नहीं बुला वो। अरे वो सब कुछ पहले से ही जान गया है कि आखिर प्रेसिडेंट मैं ही बनने वाला हूँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी प्रेसिडेंट बनने के बाद इज्जत भी बहुत बढ़ जाती है ना। बर्थडे क्या और डेथ डे क्या, रिबन काटने से लेकर झंडा फहराने तक हर जगह पर मैं ही तो चीफ गेस्ट रहूंगा। यार राजेंद्र प्रेसिडेंट की सीट जीतेगा, लगी 10,000 की शर्त। अरे मेरी लगी 50,000 की शर्त। अरे उसे तो 4 वोट भी नहीं मिलने वाले। खाने के लिए बिरयानी, पीने के लिए बोतल देंगे तो क्या उसको वोट डालेंगे हम? क्या है ना, उसने लोगों का खून चूस के बहुत पैसा कमाया, वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। नहीं तो क्या यार, अरे हमारे दुख तकलीफ में हमारे बड़े सब हमेशा साथ खड़े रहे, तो उन्हें छोड़कर इसको वोट कौन देगा? हम तो रणजीत साहब पे वोट देंगे। अरे साहब थोड़ा त्योहार और मेला वेला है। थोड़ा सा ना, कितना चाहिए? आपकी दया हो जाए बस, आप बहुत महान हैं। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरे राज्य की प्रजा हो, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। हाँ सर, हाँ हाँ। लो मौज मस्ती करो, जाओ। चल चल चल, अपना त्योहार अच्छा बनने वाला। छी, कितने गिरे हुए इंसान है। तुम देख रहे हो ना कैसे हैं ये लोग, हमसे ही पैसा लेकर ये लोग उसको वोट देने की बात कर रहे हैं। तू बिल्कुल डरना मत, नेक्स्ट टाइम तू ही प्रेसिडेंट बनेगा, देख लेना। अबे यार कोई मेरे साथ कितना भी धोखा कर ले, लेकिन वो दुर्गा माँ मेरे साथ कभी धोखा नहीं करने वाली। मुझे प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे दारू पीकर गिरे हुए लोगों को पालने वाला सिर्फ मैं ही तो हूँ, अब देख मैं क्या करता हूँ। सच कह रहा हूँ, अब शुरू होगी असली यात्रा। यार राज्य में चोर घुस आए हैं, ये राजा जाकर उन्हें पकड़ेगा, तो फिर लोगों को मुझ पर थोड़ा सेंटीमेंट आएगा और ये राजेंद्र बन जाएगा सीधे प्रेसिडेंट। मैं हूँ ना इस प्रजा का राजा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मालिक मैं हूँ ना, ठीक है निश्चिंत रहो। अरे
हिम्मत नहीं हो रही है, अब और किसी को देख लो। हम लोग नहीं आ रहे। में बच्चा लग रहा था, लेकिन काम बहुत बड़ा कर दिया है इसने। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना, पूरे गांव वालों को मार डालेगा। ए, कहां जा रहे हो? चलो पीछे, नहीं जा सकते। कहां जा रहे हो? ए, अरे बोला ना नहीं जा सकते। अरे सुनता नहीं है, बहुत जिद्दी है ये तो। हम पुलिस वालों की नहीं सुन रहा है तो फिर किसकी सुनेगा? क्या हुआ रे? मास्टर की हैसियत से पहले मारना चाहिए था। उसने तुम्हारे ऊपर जो विश्वास किया, उस विश्वास को तुमने तोड़ दिया। भोजन बढ़िया था ना? बहुत अच्छा था। एकदम सही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो आपके साथ मुकाबला करेगा, ये कोई बात हुई? मुकाबला करने में क्या बुराई है? वो भी हमारा गाँव वाला है, मेरा दोस्त है। अरे जिसके बारे में अच्छा बुरा नहीं पता, उसे दोस्ती कैसी? देखिए, अच्छा और बुरा बताने के लिए एक परिवार का होना जरूरी है, और उसके पास वो नहीं है। हमारे घर में कुछ होता है, हम लोग मिल बांट के समझ लेते हैं। अगर गांव में कोई बुरा भला करता है तो हम उस पे उंगली उठाते हैं, पर सुधारने की कोशिश नहीं करते। जिसके पास पैसा है वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, नौकरी पाके गांव छोड़ के शहर जा रहा है, लेकिन राजेंद्र इसी गांव में रुका हुआ है क्योंकि वो गांव से प्यार करता है। ऐसे लोगों को करीब लाओ, ना कि उनसे दूर जाओ। जितना मुझे पता है वो थोड़ा सा जिद्दी है बस, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वैसे आपने बात तो बहुत सही कही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आप उसे बैठाने की सोच रहे हैं? बैठने में बुराई ही क्या है? कहते हैं ना, जिसे भगवान नहीं बदल सकता उसे जिम्मेदारी बदलती है। हो सकता है ये भी बदल जाए, देखते हैं। तू हमेशा कहता ना अनुभव करूंगा अनुभव करूंगा, अब इस पाप का भी अनुभव कर। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही इससे मेरा कोई संबंध है। अरे अब रो क्यों रहा है? उसे तू दोस्त दोस्त बोला करता था ना, आखिर में मरवा दिया ना। आप हाँ तो कहिए, इसे मार के यहीं दफना दूंगा, बोलिए। जिस दिन ये इंसान की मौत का जिम्मेदार बना, उसी दिन इसकी इंसानियत मर गई। छोड़ दो इसे। इस तरह मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा मुझे काटनी पड़ी। मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया।
और गांव से भी दूर हो गया। अरे बुलाने वाला तू नहीं था तो फिर वो कौन था? और ये राहुल को क्यों मारा? तू जिस तरह से बोल रहा है उस हिसाब से वो लोग चोरी करने के लिए नहीं आए थे, पक्का प्लान करके उसे मारने के लिए आए थे। अगर उनके बारे में पता करना है तो तुझे मुंबई जाकर यादगिरी से मिलना होगा। अच्छा, उसके हाथ के टैटू पर क्या लिखा था? अम्मा। मतलब वो धर्मा था। देखो, वो सिर्फ हाय हेलो या मुलाकात करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर धर्मा को बाहर निकालना है तो उसके हाथ में सुपारी होनी चाहिए और मरने के लिए एक आदमी होना चाहिए। इसके लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी, ये मैं समझ गया, और इसलिए मैंने खुद की ही सुपारी दे दी। ये सिर्फ एडवांस है, मुझे ढूंढते हुए धर्मा आएगा ये सोचा था, लेकिन आया अम्मा नहीं। राहुल को मारने के लिए सुपारी किसने दी ये सिर्फ धर्मा ही जानता है। अगर सच का पता लगाना है तो मुझे उसके सामने जाना पड़ेगा। भाई, अपने बारे में सब कुछ इसने ही बताया। उसने खुद की सुपारी दे डाली, आपको बेवकूफ बनाया। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। भाई भाई भाई, भाई। राजेंद्र कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? हमें सेफ रखने के लिए उसने अपनी ड्यूटी मंदिर में करवा ली। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, देवी तुम मेरे साथ अवश्य चल सकती हो, किंतु मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। जब तुम धरती पर पहुँचोगी तो उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखोगी, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यदि तुमने उत्तर दिशा की तरफ देखा तो तुम्हारा दैवीय गुण उसी समय नष्ट हो जाएगा। ये सुनते ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। राजेंद्र जी, माता लक्ष्मी का यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? धरती पर हुआ और खड़े खड़े कथा सुन रहे हो? उनकी कृपा से आविर्भूत हो गए भगवान नारद। विष्णु पुराण में इस बात को अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं कि जब जब कलयुग में अधर्म की स्थापना हुई, लगता है यहाँ खाना बिल्कुल टाइम पर मिलता रहता है। और दुष्टों का ऐसी बात नहीं है श्रुति जी, तुम्हारे बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था, जब पता चला तब तुम वहाँ से चले गए। इरादा क्या है तुम्हारा? मेरी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसी प्रॉब्लम होगी? मेरे बारे में कुछ जाने बिना मुझसे प्यार किया, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और फिर भी मुझे स्वीकार, आप ये मेरा नसीब है। लड़कियों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल लाइफ में आता है तो वो सब कुछ एक्सपायर हो जाती हैं। वो चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, हाइट कम हो या हाइट ज्यादा हो, फिर कुछ मैटर नहीं करता, फिर वो लड़का ही उसकी लाइफ बन जाता है। एक बार मेरी बात तो सुन लो राजेंद्र जी, सिक्योरिटी गार्ड वाला एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाओ। क्या हुआ? ड्यूटी पर हूँ ना। आज से आपकी ड्यूटी बदल गई है राजेंद्र जी।
अपने दुश्मनों को मारते थे। हमारा कोई दुश्मन नहीं था। दुश्मन को शायद मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन सुपारी लेने के बाद मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता। तूने अपनी सुपारी देकर गलती की, और वो भी बहुत बड़ी गलती। कौन है? पकड़ो उसे। उस तरफ देख। सुपारी किसने दी थी? बोल, किसने सुपारी दी थी तुझे? आ, 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 आ,
सच कहूं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। स्कूल में खड़े होकर पढ़ाने वाला वो पंचायत का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, आपके होते हुए रिटायर्ड बुजुर्ग लोगों को क्यों मौका दिया जा रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास पैसा है, जायदाद है, सब कुछ है, फिर भी आप प्रेसिडेंट नहीं बन रहे। कुछ दिन पहले इसके बेटे ने बोला राजेंद्र प्रेसिडेंट बनेगा, आप बोल रहे कि मास्टर प्रेसिडेंट बनेगा, तो बीच में हम लोग कौन है, गधे हैं क्या? उनके बोलने से क्या होगा, अभी टाइम है ना। रातों रात राजा के राजपाट पलट गए, ये प्रेसिडेंट क्या चीज है, देखते जाओ क्या करता हूं। तो कार्यक्रम शुरू करें, कुछ देर रुक जाइए सर, मूर्ति साहब आते ही होंगे। वो देखिए नाम लिया और आ गए। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। 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 आपकी नेक नीति कौन नहीं जानता, आप भले इंसान है मूर्ति साहब, सभी तो आपको अच्छे से पहचानते हैं, पूरी की पूरी जनता आपके साथ है। आप सभी लोग अच्छे हैं इसीलिए ऐसा है, आपके विचार अच्छे हैं। ये सब क्या नाटक है? ये बताएगा ना? क्यों रे? तूने बोला कि तुझे नहीं मारना है, उन्हें मारना है। सुना ना प्रेसिडेंट साहब इसने क्या बोला? जो चाकू धर्मा के हाथ में होना चाहिए था वो अजय राज के हाथ में कैसे आ गया, यही सोच रहे हो ना? ये तुम्हारा प्लान नहीं था, राजेंद्र का है। सोचा था कि एक को मारूंगा तो मेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन अभी सबको मारना पड़ेगा, कोई भी नहीं बचना चाहिए। मैं तेरी बात पे विश्वास क्यों करूं? तुम्हें विश्वास दिलाने नहीं आया हूं, विश्वास करके आया हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे ये अजय राज अपने दुश्मनों से जीतना चाहता है, तुम्हें हराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे जीत नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद के लिए आभारी रहूंगा और जिंदगी भर यह समझ के हारता रहूंगा कि यह सब कुछ दोस्त के लिए, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपके बेटे ने क्या कहा था? राजेंद्र थोड़ा जिद्दी है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। हाँ
मेरे भाई का लड़का अनाथ नहीं होने पाए, इसीलिए मैंने तेरा सगे से भी ज्यादा ख्याल रखा। मैंने भी आपको अपने सगे बाप से ज्यादा प्यार किया था। बड़े पापा, हाँ। रेड्डी साहब ने पैसे भेजे, ये सब तू ही देख ले। हाँ। देख रहे हैं एक बेटे और एक बाप का फर्ज कितनी अच्छी तरह से निभा रहा है। अगला प्रेसिडेंट के लिए होगा तो कितना अच्छा होगा ना? आपके बाद आपका पद, आपकी जायदाद, सब कुछ मेरी होगी, मैंने सोचा था। अरे मेला देख के चला जाएगा, है ना? अब मैं यही रहूंगा, ठीक है ना पिताजी? फिर वो आ गया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, इसे अच्छा बनाने के लिए मेरा पद छीन लिया। राजेंद्र थोड़ा सा जिद्दी है मगर दिल का बुरा नहीं है। आप जायदाद और पद अगर बांटते रहेंगे तो मैं देखता रहूं क्या? तभी मैंने इसका प्लान यूज करके राहुल को मरवाया जिससे ये दोषी बने। फिर भी आप बदले नहीं, वैसे ही थे। पद वसीयत में नहीं मिलती, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये कोई विरासत की जागीर नहीं। इस बार मैं सोच रहा हूँ इस बार मास्टर जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। आपके बगल में मैं खड़ा था, मुझ पे आपने ध्यान नहीं दिया। उस मास्टर जी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, तभी मैंने आपको मारने का प्लान बनाया। आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहां से। बहुत गलत हुआ राजेंद्र, जो तुमने किया नहीं उसके गुनहगार बन गए, मुझे माफ कर। नहीं, नहीं, ऐसी बात मत कीजिए। सभी को खोने के बाद एक अनाथ की जिंदगी जी रहा था मैं। मेरे दादा ने जो पैसे छोड़े हैं उससे जिंदगी खुशी से जीऊंगा ऐसा सोच रहा था। गांव छोड़ने के बाद ये बात मुझे पता चली, ये गांव का बड़प्पन था। मेरे दादा मरते मरते मुझसे बोले कि बेटा पेट भर खाना, रात को जितनी चाहिए नींद लेना, और उसी को जिंदगी समझ रहा था मैं। लेकिन हमारे आसपास जो रहते हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते, दोस्ती, कुछ यादें, उसे जीतना होता है। ये जानने में बहुत देर हो गई। और अनुभव करने के लिए जायदाद की जरूरत नहीं है, इंसान चाहिए। उन्हें खोने के बाद मुझे ये पता चला। मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, एक्टिंग करनी चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं। तेरे साथ अभी बहुत काम है, चल आ जा, आ जा, आ जा। क्या बे, तू नहाया नहीं है क्या? सेंट मारने से बदबू नहीं जाएगी। ओ अच्छा खासा शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था और मेरा दोस्त मेरी जिंदगी बनाने के लिए यहाँ लेकर आया। यहाँ पर गाय भैंसों को चारा देते देते जिंदगी निकल जाएगी। कल मुर्गी अंडा दी तो बोलता है कि मैं खा गया। इससे अच्छा है कि मैं किसी अनाथ आश्रम में चला जाऊँ जहाँ पर अपनी जिंदगी शांति से गुजार लूंगा। मैं जा रहा हूँ, एक मिनट में रुकूंगा। मैं हूँ ना यार, तू है इसीलिए तो जिंदगी ऐसी है। अरे जरा चुप रह, आज सब कुछ पता चल ही जाना चाहिए। चल तुझे दिखाता हूँ, चल। हाँ, चल दिखा। क्या है ये? हाँ, इतने में तो 50 बोरे आने चाहिए, मतलब आज के रेट के हिसाब से 1 टन, और इस रेट से हिसाब लगाएं तो पूरे 3 लाख रुपए होते हैं, मतलब टोटल 3 करोड़। और यहाँ भी 2000 रुपए कम है। आपको 2000 रुपए की वैल्यू भी पता है? 2000 की वैल्यू तो आपको ही पता होगी। ये क्या, तुम अब तक नदी के पास नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो अब तक? वो अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जितना सोचा है उतना अनाज होना चाहिए, समझ में आया? तो अब जाओ। ओके बेन, चलने चल, चल। आप बैठिए ना। मुझे सारी बात समझ आ गई हो कि तू कितना भी बड़ा आदमी हो, चलती तो बीवी की है, सब काम करने पड़ते हैं। हाँ, बस जा रहे हैं, गाली भी खाना पड़ता है।